गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं अमिता सक्सेना, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट मिनी माता गर्ल्स कॉलेज कोरबा। आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। बायोलॉजी एंड द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल इज रेगुलेटेड बाय फ्लक्चुएटिंग लेवल्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। दीज हार्मोन्स प्रोड्यूसेस सर्टेन चेंजेस इन द ओवरीज एंड यूटेरस। Humans are nearly unique among species in having a menstrual cycle. Other species of mammals have estrous cycle. Menstrual cycles के कुछ basic terms के बारे में हम जानेंगे। पहला है endometrium, lining of the uterus, oocyte, developing reproductive cell, ovum, mature egg after meiosis, menopause, last menstrual cycle after which egg production stops. अब हम oogenesis के बारे में कुछ बेसिक जानकारी के बारे में समझेंगे। फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है वो होता है ओवरी। ओवरी जो तीन लेयर्स की बनी होती है, जो सबसे आउटर लेयर होती है उसे कहते हैं विसरल पेरिटोनियम। बीच की लेयर जो होती है या जो मिडिल लेयर होती है उसे कहते हैं जर्मिनल एपिथीलियम। और जो सबसे इनर लेयर होती है वो होती है ट्यूनिका एल्बुजीनिया की। ओवरी में दो स्ट्रक्चर होते हैं। ओवरी के दो पार्ट्स होते हैं। पहला होता है स्ट्रोमा और मिडिल लेयर होता है मेड्यूला। स्ट्रोमा में ओजेनेसिस की प्रोसेस कंप्लीट होती है। मेड्यूला जो स्पेशली नर्व्स, ब्लड वेसल्स और सॉफ्ट टिश्यूज का बना होता है। ओजेनेसिस की जो प्रोसेस है वो स्ट्रोमा में कंप्लीट होती है। ओजेनेसिस की प्रोसेस में फर्स्ट एंड फॉर प्राइमोडियल जर्म सेल्स ओगोनियम या डिप्लॉयड सेल्स में कन्वर्ट होते हैं। फिर यह प्राइमरी ओसाइट रेस्टिंग स्टेज में आने के बाद या फर्स्ट मियोटिक डिवीज़न होने के बाद सेकेंडरी ओसाइट का निर्माण करती है। सेकेंडरी ओसाइट के दौरान फर्स्ट पोलर बॉडी का फॉर्मेशन होता है। फिर सेकेंड मियोटिक डिवीज़न के द्वारा सेकेंड पोलर बॉडी का निर्माण होता है और एक ओटीट का निर्माण होता है जो हैप्लॉइड होता है। ओटीट या मैच्योर होकर ओवम का फॉर्मेशन करती है और यह ओवम यह भी हैप्लॉइड होता है। ओजेनेसिस या मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान हार्मोन्स की भूमिका के बारे में जानेंगे। हमारे ब्रेन में जो हाइपोथैलेमस का पार्ट होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से कनेक्टेड होता है, इस हाइपोथैलेमस के द्वारा गोनेडियल रिलीजिंग हार्मोन का सिक्रीशन होता है। यह गोनेडियल रिलीजिंग हार्मोन एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड्स के द्वारा FSH और LH का फॉर्मेशन करती है। FSH जो होती है और LH जो है वो ब्लड लेवल्स ऑफ FSH, वो ब्लड में FSH के लेवल्स को बढ़ाती है। LH का जो लेवल है वह ओवुलेशन के दौरान सबसे ज़्यादा होता है। ग्रोथ ऑफ फॉलिकल्स में दो हार्मोन्स की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। पहला है FSH और दूसरा है LH। ओवुलेशन के लिए स्पेशली LH हार्मोन उत्तरदायी होता है। एंडोमेट्रियम का जो लेयर होता है वो टू लेयर्स का बना होता है, स्ट्रेटम फंक्शनलिस और स्ट्रेटम बेसालिस। मेंस्ट्रुएशन साइकिल के दौरान स्ट्रेटम फंक्शनलिस ही यूटेरस से पृथक होकर अलग होता है। फोर फेसेस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल फ्लो, प्रोलिफरेटिव, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल। ड्यूरिंग विच डेज ऑफ द साइकिल इन FSH एट इट्स लोवेस्ट। FSH फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन इज एट इट्स लोवेस्ट ड्यूरिंग द लास्ट डेज ऑफ द साइकिल। व्हेन FSH लेवल्स आर लो, व्हाट इज द साइज ऑफ द फॉलिकल्स? It is shrinking and disappearing while a new set is growing.
जैसे कि आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं डेज 1 से डेज 14, इसमें दो फेसेस हैं, एक है यूटेराइन फेसेस और एक है ओवेरियन फेसेस। यूटेराइन फेसेस को हम 3 फेसेस में और फर्दर डिवाइड कर सकते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल फ्लो, प्रोलिफरेटिव फेस एंड सिक्रेटरी फेस, एंड ओवेरियन फेसेस को फॉलिकुलर, ओवुलेशन एंड ल्यूटियल फेसेस में हम डिवाइड करते हैं। व्हाट इज़ हैपनिंग टू एस्ट्रोजन ड्यूरिंग द फॉलिकल फेसेस? इट डिप्स देन राइसेस। इट इन रिस्पॉन्स द यूटेरस लाइनिंग डिप्स देन राइसेस। ओवुलेशन, डे 14 ऑफ द साइकिल यूजुअली मार्क्स एंड इवेंट कॉल्ड ओवुलेशन। फॉलिकल रप्चर्स ओपन एंड रिलीजेस द राइप्ड एग। पिट्यूटरी हार्मोन्स LH एंड FSH आर पिकिंग। एस्ट्रोजन इज आल्सो रिलीज्ड फ्रॉम फॉलिकल्स। हार्मोन्स एंड व्हाट हैपन्स इन द ओवरीज। ल्यूटियल फेसेस आफ्टर रिलीजिंग एन एग, द फॉलिकल टर्न्स इनटू द कॉर्पस ल्यूटियम। द कॉर्पस ल्यूटियम मैन्युफैक्चर्स प्रोजेस्टेरोन। मेंस्ट्रुएशन, शेडिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। कॉर्पस ल्यूटियम जो होता है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का सिक्रेशन करता है जो प्रेगनेंसी में स्पेशली फंक्शन करता है, इसलिए प्रोजेस्टेरोन को प्रेगनेंसी हार्मोन्स के नाम से भी जाना जाता है। और यदि जब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तब यह कॉर्पस ल्यूटियम कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट हो जाता है। यह कॉर्पस एल्बिकेंस जो आगे एक येलो रंग के पार्टिकल्स का फॉर्मेशन करती है, इसलिए इन्हें कॉर्पस एल्बिकेंस के नाम से जाना जाता है। यह शेडिंग ऑफ द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस। लेंथ एंड टाइमिंग ऑफ द साइकिल। नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन साइकिल 20 to 36 to 40 डेज, एवरेज इज अबाउट 28 डेज। मेंस्ट्रुएशन बिगिंस ऑन 1 डे एंड कंटिन्यूज अंटिल अबाउट डे 4 or 5। फॉलिकुलर फेसेस एक्सटेंड्स फ्रॉम अबाउट डे 5 to about day 13। ओवुलेशन अकर्स ऑन डे 14। ल्यूटियल फेस एक्सटेंड्स फ्रॉम डे 14 टू द एंड ऑफ द साइकिल डे 28। अदर साइकिल चेंजेस। टू अदर फिजियोलॉजिकल प्रोसेस फ्लक्चुएट विद द मेंस्ट्रुअल साइकिल, द सर्वाइकल म्यूकस साइकिल, द बेसल बॉडी टेम्परेचर साइकिल। दिस स्ट्रक्चर जो आपको स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ए बेसल बॉडी टेम्परेचर ग्राफ है। डेट ऑफ मंथ, क्वाइटस, मेंस्ट्रुएशंस, डेज ऑफ साइकिल। फ्लक्चुएशंस इन परफॉर्मेंस। रिसर्च ऑन इंटेलेक्चुअल और एथलेटिक परफॉर्मेंस जनरली शोज नो फ्लक्चुएशंस ओवर द साइकिल। रिसर्च ऑन एकेडमिक परफॉर्मेंस, प्रॉब्लम सॉल्विंग मेमोरी और क्रिएटिव थिंकिंग शोज नो फ्लक्चुएशंस ओवर द साइकिल। व्हाट कॉसेस द फ्लक्चुएशंस इन मूड? बायोलॉजिकल फैक्टर्स, फ्लक्चुएशंस इन लेवल्स ऑफ हार्मोन्स, एनवायरमेंटल फैक्टर्स, menstruation taboos and cultural expectations. Cycles in men. One study found evidence of behavioral cycles in men. Another study identified that high testosterone levels were correlated with the depression. Other researchers have found cycles in men's emotional state. Okay, thank you. Thank you students. Ye lecture और अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए मेरा नेक्स्ट वीडियो ज़रूर देखें। धन्यवाद।